हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। तो यार आपने ऐसे बहुत सारे क्रिएटर की वीडियो देखी होगी जो कि ये चीज़ बताते हैं कि यूट्यूब वीडियो अपलोड कैसे करें, बट आपको वहाँ पर वो 80% बात ही बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं। तो कैसे आप लोग शुरुआती टाइम पे एकदम अच्छी तरह से वीडियो को अपलोड करोगे जिससे आपको स्टार्टिंग में व्यूज़ मिलना शुरू हो जाए। ज़्यादातर यूट्यूबर आपको सिर्फ आधी बात बताते हैं जिससे आपकी वीडियो सर्च में नहीं आती और स्टार्टिंग में व्यूज़ आना बंद। तो आप लोग कैसे वीडियो अपलोड करोगे और कैसे आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आएंगे वो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊँगा। चलो आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो शुरुआत में वीडियो अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा फाइल मैनेजर पे। अब फाइल मैनेजर पे क्यों जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाए हो उस वीडियो को आप लोग सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये वीडियो है, तो इसको मैंने सेलेक्ट करा एंड यहाँ से इस वीडियो को आप लोग रीनेम करो। रीनेम का मतलब है आप लोगों ने वीडियो बनाई हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर, तो उस चीज़ को आप लोग यहाँ लिख दो। जैसे कि मैंने अभी ये वीडियो बनाई 1000 सब्सक्राइबर पे, आप लोग यूट्यूब चैनल थंबनेल कैसे बनाए जिस टॉपिक पे आप लोगों ने वीडियो बनाई उसका टाइटल आप लोग डाल दो। जैसे कि मैं लिख देता हूं हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है, और इसको हम लोग ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, इस वीडियो का रीनेम हो जाता है। अब रीनेम करने का क्या फ़ायदा है वो आपको आगे चल के समझ में आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब ऐप को ओपन नहीं करना है, इसके अलावा आपको यूज़ करना है क्रोम ब्राउज़र को। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल जो है डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब स्टूडियो जो है हम इस ऐप पे यहाँ पर ओपन करेंगे। यूट्यूब ऐप पे ओपन नहीं करना है, क्रिएटर स्टूडियो जो है डेस्कटॉप साइट पे ओपन होता है उसमें आपको अपलोड करना है। देखिए कुछ इस तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा एंड यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिखता है वो होता है क्रिएट्स का, तो क्रिएट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना है एंड अपलोड वीडियो। अपलोड वीडियो पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको देखिए जो भी आप लोगों ने वीडियो का रीनेम किया था उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है वो आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट फाइल पे जैसे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो फाइल्स पे जाना है। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको गैलरी ओपन करनी या वीडियोज़ वाले सेक्शन पे जाके या आप लोगों ने जो भी पावर डायरेक्टर से या जैसे कि मान लो ये वीडियो थी मेरी हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर, तो इस वीडियो का रीनेम करने का फ़ायदा ये होता है गाइस कि जैसे आप लोग अगर रीनेम नहीं करोगे तो आपकी वीडियो सर्च में नहीं आएगी, और यही बात ज़्यादा यूट्यूब क्रिएटर नहीं बताते हैं। तो देखो यार जैसे ही मैंने उस वीडियो का रीनेम किया तो यहाँ पर उस वीडियो का फाइल नेम आ गया जो कि मैंने वहाँ लिखा था हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर। और इसी चलते आप लोग अगर रीनेम नहीं करोगे तो आपको फाइल नेम वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर ये सेम चीज़ को यहाँ पर डालना होगा। अब आपकी वीडियो का जो है फाइल नेम हो गया, अब इसके बाद सबसे मेन होता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर, तो इस तरह से आप लोग भी लिख दीजिए आपकी जिस टॉपिक पे वीडियो बनाए वो चीज़ आप लोग लिखो हाउ टू गेट 1000 स्पेस थोड़ा कम एंड यहाँ पर हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर, तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिए एंड कोई ब्रैकेट लगा के। इसके अलावा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड लिखना, मतलब कि कीवर्ड का मतलब होता है ऐसे ऐसे कीवर्ड जो कि आप लोग टैग में डालते हैं वही सेम चीज़ टाइटल में डालनी, जैसे कि हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर ये एक कीवर्ड है। एंड इसके अलावा आप लोग ब्रैकेट लगाओ, इसके बाद आप लोग लिख दो 1000 सब्सक्राइबर या इस तरह से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कैसे करें, ये एक दूसरा कीवर्ड हो जाता है। कुछ इस तरह से आप लोग ये चीज़ आपका टाइटल हो जाता है। इसके अंदर आप लोग 100 शब्द ही लिख सकते हो, तो आप लोग कोशिश करो फुल से फुल बनने का। एंड सेम चीज़ आप लोग इसको उठाओ पूरा का पूरा, सेलेक्ट ऑल एंड कॉपी, एंड यही सेम चीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने ये हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर ये सेम चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब इसके बाद क्या करना है गाइस, आपको दो बार स्पेस देना होगा एंड इसके बाद आपकी जो वीडियो में आप लोगों ने बताया वो चीज़ डिस्क्राइब करो। जैसे कि आप लोग लिख सकते हो अबाउट दिस वीडियो। इसके बाद आप लोग क्या करना, थोड़ा सा स्पेस देके आप लोग लिख सकते हो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया भाई कैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों ने वीडियो के अंदर बताई पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दो। एंड इसके बाद आप लोगों के जो भी सोशल मीडिया लिंक्स है, आप लोग जिन जिन पे ऑडियंस को बुलाना चाहते हो, एफिलिएट लिंक्स, जो भी प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करते हो, जो भी लिंक्स आप देना चाहो वो दे दो। एंड उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आता है आपके हैशटैग। हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो भी जैसे कि मैंने बनाई 1000 सब्सक्राइबर, तो हैशटैग लिख दूंगा मैं हैशटैग 1000 सब्सक्राइबर, तो कुछ इस तरह से आप लोगों को स्पेस नहीं देना है एंड यहाँ पे हाउ 1000 सब्सक्राइबर लिख दो, ये आप लोग लिख दो हाउ टू कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर। इस तरह से आपको 10 से 12 टैग यहाँ पे, मतलब 10 से 12 हैशटैग जो है यहाँ पर लिख देना है। हैशटैग लिखने के बाद क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा स्पेस और देना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है योर क्वायरी। मैं यहाँ लिख देता हूँ योर क्वायरी।
क्वायरी करने के बाद आप लोगों को जो भी आप लोग अपने टैग डालने वाले हो वो सेम चीज़ यहाँ पे आपको लिख देना है। लिखने के बाद क्या होगा, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रहे इसके अंदर पॉइंट्स का यूज़ नहीं करना है, पॉइंट हटा के करना है। जैसे कि आप लोग जैसे कि देखोगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 सब्सक्राइबर, सो ये देखिए 1000 सब्सक्राइबर लिखने के बाद आपके यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो इस पॉइंट को हटाना है एंड इसके नीचे आप लोग लिख दीजिए 1000 सब्सक्राइबर या हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर, मतलब डॉट्स को आपको हटाना होगा। ये चीज़ होने के बाद आपका डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों ने समझा भाई, टाइटल के अंदर जो भी चीज़ उसको डिस्क्रिप्शन में लिखो, उसके बाद वीडियो के बारे में जो भी बताया वो हम लोगों को डिस्क्राइब करना होगा, उसके बाद सोशल मीडिया लिंक्स, हैशटैग और उसके बाद कीवर्ड, इस तरह से आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। अब इसके बाद आता है थंबनेल का, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग थंबनेल लगा दीजिए एंड उसके बाद कोई भी प्लेलिस्ट है तो आप लोग उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे शो मोर पे ऑप्शन पे आप लोग जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स के लिए बोलेगा। तो यार कीवर्ड्स में आप लोगों में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग टाइम है अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए तो अपनी वीडियोज़ के अंदर जो टैग लगाओ वो ऐसे टैग लगाओ जो स्टार्टिंग में रैंक करना शुरू कर दें और आपकी वीडियोज़ में स्टार्टिंग टाइम से व्यूज़ आना शुरू हो जाएँ। अब यार मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊँगा भाई कैसे आप लोग कीवर्ड रिसर्च करोगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके चलते आप लोगों को जो आई बटन पे वीडियो है उस वीडियो को ज़रूर से देखना या एंड स्क्रीन में जो वीडियो है उसको ज़रूर से देखना जिसके अंदर मैंने बताया कीवर्ड रिसर्च के बारे में, ऐसे कीवर्ड जिन पर आपकी वीडियो रैंक करना शुरू कर देगी, तो उस वीडियो को देखने के बाद ही यहाँ टैग का यूज़ करना। इस तरह से आप लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग लगा दोगे एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। आप लोग यहाँ से कोई भी एंड स्क्रीन या कोई भी आई कार्ड लगाना चाहो वो लगा सकते हो एंड नेक्स्ट करो। इसके बाद आपकी चेकिंग होगी कि भाई आपकी वीडियो में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम है तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे विजिबिलिटी का जो ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर आप लोग प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिक जो करना चाहो वो कर दो एंड नेक्स्ट। सो इस तरह से आप एक अच्छी तरह से एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर पाओगे। यार आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी भाई कैसे शुरुआत में वीडियो को अपलोड किया जाता है और ये एकदम नई ट्रिक थी। इस तरह से अगर आप लोग वीडियो अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो रैंक करना शुरू करती है और कीवर्ड रिसर्च आप लोग ज़रूर से करना, नहीं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर दोगे। तो यार ये रिक्वेस्ट है आपकी, ज़रूर से उस वीडियो को देख लेना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।